कृष्णा। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भगवान का दर्शन आँखों से नहीं कानों से होता है। इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे कि हम लोग हर चीज़ देखने का मतलब देखना तो आँखों से होता है और सुनना कानों से। तो ये टॉपिक क्या है कि भगवान का दर्शन आँखों से नहीं कानों से होगा, तो इसमें चर्चा करेंगे। तो जैसे देखिए, हम लोग कभी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में हम लोग भगवान को दर्शन करते हैं, राधा कृष्णा, राम लक्ष्मण सीता, आपका लक्ष्मी नारायण, कृष्ण बलराम, गौर निताय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी, विभिन्न प्रकार के विग्रह हम लोग मंदिर में जाके देखते हैं। तो क्या वही देखना क्या वास्तविक दर्शन है? देखिए, वास्तविक दर्शन और दर्शन में अंतर यही है कि आप मान लीजिए मंदिर आए और मंदिर में आप विग्रह को देखे, तो विग्रह को देखे आप किस लिए? क्योंकि आपके हृदय में कुछ श्रद्धा है, कुछ भक्ति है, आस्था है, कहीं से सुने हैं आप, किसी से सुने हैं, शास्त्र ग्रंथों से पढ़े हैं कि भगवान का जो विग्रह होता है वो साक्षात भगवान होता है। तो आप सुने हैं, सुनने के कारण आप देखने के लिए आते हैं मंदिर में। तो भगवत दर्शन आपका अल्टीमेटली कहाँ से हुआ? कान से, क्योंकि शास्त्र ग्रंथ सुने हैं, किसी भागवत प्रवचन में आप गए हैं, या कोई भक्त बोले हैं कि भगवान मंदिर में भगवान को हाथ जोड़ के प्रणाम करना चाहिए, उनसे प्रार्थना करना चाहिए। तो ये जो चीज हुई है, मतलब अल्टीमेटली कहाँ से हुआ? कान से। नहीं तो हम लोग मंदिर में जाते, भगवान क्या है? अगर आस्था नहीं रहेगा, विश्वास नहीं रहेगा, आस्था विश्वास कहाँ से आया? जब आप उनके बारे में सुने कि इस तरह कृष्ण बलराम का विग्रह है, इस तरह राधा माधव का विग्रह है, तो जब आप उनके बारे में सुने तो आप मंदिर आएंगे और हाथ जोड़ करके प्रणाम करेंगे, दंडवत प्रणाम करेंगे। लेकिन जब उनके बारे में सुनेंगे नहीं, तब आपके हृदय में न श्रद्धा रहेगा न आप देखने के लिए आएंगे। क्योंकि जब श्रद्धा भक्ति और उनके बारे में श्रवण नहीं करेंगे तो आपको लगेगा ये एक पत्थर के अलावा कुछ नहीं होता है। क्योंकि बाहर के लोग जैसे बोलते हैं, जो भगवान के बारे में नहीं जानते, शास्त्र ग्रंथों को नहीं पढ़ते या उनके बारे में जानकारी नहीं है, उनके सामने भगवान का मूर्ति एक, भगवान का विग्रह ओनली स्टोन, ओनली सिर्फ पत्थर है और कुछ नहीं। तो इसीलिए मतलब भगवान को अगर हम लोग दर्शन करेंगे मूल रूप से, तो हम लोग को भगवान के विषय में सुनना है, भगवान कृष्ण की लीलाओं को सुनना है, भगवद् गीता को पढ़ना है, श्रीमद् भागवतम को पढ़ना है। क्योंकि ये सब जब हम लोग अध्ययन करेंगे, हमारे भगवत दर्शन में और उतना रुचि होगा, उतना हम लोग विग्रह को दर्शन करेंगे। नहीं तो अगर हम लोग मतलब सुनना बंद कर देंगे, भगवत कथा नहीं सुनेंगे, तो भगवान के मंदिर आके भी शांति नहीं मिलेगा। क्योंकि नजर आएगा एक पत्थर है और कुछ नहीं, वो ये मार्बल से बना हुआ है, वो ये लकड़ी का बना हुआ है, ये तांबा का बना हुआ है, इस तरह हमारा मेटेरियल चीज देखेगा। लेकिन जब हम लोग भगवान की लीला कथा सुनेंगे कि किस तरह भगवान अपनी कृपामय हेतु की कृपावश, क्योंकि हमारी आँखें स्पिरिचुअल चीज को, आध्यात्मिक चीज को देखने के लायक नहीं है, मेटेरियल चीज देखते, इसीलिए भगवान एक पत्थर के रूप में आया, भगवान एक लकड़ी के रूप में आया ताकि हम लोग देख सके, तो भगवान कितने कृपामय है। तो ये सब कहाँ मिलेगा? कान के माध्यम से मिलेगा, वैदिक ग्रंथों के द्वारा। वैदिक ग्रंथ जब हम लोग अध्ययन करेंगे, भागवत कथा सुनेंगे, तब हमारा कृष्ण के प्रति, भगवान के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा रुचि आएगा। और जब जितना रुचि होगा, हम लोग भगवान के विग्रह को दर्शन करने में आनंद प्राप्त करेंगे। अथवा भगवान के दर्शन, विग्रह को दर्शन करने से कुछ लाभ नहीं है। इसलिए लाभ सब है, ऐसा नहीं कि भगवान का कोई भी चीज़, भगवान से रिलेटेड, भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, अगर कोई 2 कदम भी मेरे लिए आता, मैं उनके लिए 1000 कदम जाता। बात ऐसा नहीं कि आप भगवान के बारे में सुने नहीं और डायरेक्ट मंदिर में आके भगवान को दर्शन किए, कितना सुंदर मुखमंडल है कृष्ण का, अगर ये भी बोले तो उसमें भी लाभ लाभ। भगवान की भक्ति में किसी भी तरह का कुछ हानि नहीं है। सर्पम पश्य धर्मस्य त्रायतु महतो भयात्। भगवान के द्वारा, भगवान
से रिलेटेड थोड़ी सी भी भक्ति किया जाए तो त्रायते महत भया, महत महत मीन्स महान, भयात मीन्स भय, इस संसार में जो जन्म मृत्यु का जो पुनर्जन्म का चक्र, ये सबसे बड़ा भय है। लेकिन एक बार अगर भगवत दर्शन हो जाता है जीवन में तो उनका मृत्यु का भय, ऐसे में कहा गया है स्कंद पुराण में वर्णन है कि अगर कोई जगन्नाथ पुरी में जाकर भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को एक बार दर्शन करे तो उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, स्कंद पुराण में लिखा है। तो मान लीजिए कि आप स्कंद पुराण की बात ये आपको पता नहीं है, लेकिन फिर भी आप जगन्नाथ पुरी में गए और जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी को दर्शन किए, तो सच में ये शास्त्र की वाणी है कि आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। तो यही विषय वस्तु यही है कि हम लोगों को भक्ति करना है, भगवान को दर्शन करना है, लेकिन भगवान को दर्शन आँखों से करने से पहले थोड़ा कानों से सुनना है, क्योंकि कानों से सुनेंगे तो उनके प्रति आपका प्रेम होगा। जैसे उदाहरण तो मेटेरियल उदाहरण कैसे देंगे, सपोज कि एक महान व्यक्ति आपके घर में आए, अचानक आपके घर में आए और आने के बाद आप उनके बारे में जानते नहीं कि कितना ये मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, कोई बड़ा महान व्यक्तित्व है, आप उनकी जत्न कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, अतिथि भाव समझकर, कि अतिथि समझकर आप उनकी सेवा कर रहे हैं। लेकिन अगर पहले दिन अगर आपको पता होता कि आपके घर में एक ऐसे व्यक्ति आएंगे जो बहुत महान है, उनके कर बहुत सारे नौकर चाकर है, लेकिन फिर भी वो उन सब को छोड़कर आपके घर में आ रहे हैं, आप जैसा चाहेंगे सेवा कर सकते हैं, तो आपको कैसा फीलिंग होगा? तो वो सुंदर रूप से सेवा करेगा। तो उसी तरह जैसे सबरी को पता था कि राम और लक्ष्मण कोई साधारण व्यक्ति नहीं, साक्षात भगवान है, इसीलिए सबरी एक दिन नहीं, दो दिन नहीं, तीन दिन नहीं, चार दिन नहीं, बचपन से लेकर जवानी से लेकर वृद्धावस्था तक, अंतिम सांस तक वो रोज रोज भगवान के लिए झाड़ू देते थे रास्ते में, और ताज़ा ताज़ा फूल लाते थे वन से और फूल वहाँ पर सजा रखते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे राम और लक्ष्मण आएंगे, तो उनके बारे में पहले सुने थे, उनके गुरु महाराज उनको बताया था कि सबरी आए, राम और लक्ष्मण आएंगे, इसीलिए तो वो इसे सज धज करते थे ना। अगर पहले अगर नहीं पता होता तो अरे आएगा तो आएगा, क्या है, लेकिन उसको पता है साक्षात भगवान है। तो भगवान जब आएंगे हमारे घर में तो उसको किस तरह सजाना है? तो भगवान का दर्शन आँखों से नहीं हुआ, कानों से हुआ। इस तरह विभिन्न उदाहरण है। भगवान किसी भी जगह में प्रकट होता है, किसी भी तरह से भगवान का दर्शन किस सुन, जैसे और उदाहरण हिरण्यकशिपु ने पूछा कि आपका भगवान कहाँ रहता है, तो प्रहलाद महाराज बोले कि आपका प्रश्न भूल है, आपको प्रश्न ये पूछना चाहिए कि भगवान कहाँ नहीं है, है ना। तो क्या बोले कि भगवान का दर्शन कैसे हो, मतलब आपका भगवान कहाँ रहते हैं? साधारण में हम लोग को क्या पता है कि भगवान मंदिर में रहते हैं, राधा माधव जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी मंदिर में रहता है, लेकिन प्रहलाद कहाँ, प्रहलाद भगवान का दर्शन कहाँ देख रहे हैं? हिरण्यकशिपु पूछ रहे कि आपका भगवान कहाँ है, और प्रहलाद महाराज तो सर्वदा वो भगवान को देखते हैं ना, बोले कि आप ये पूछिए कि भगवान कहाँ नहीं है, तो बोले कि क्या इस खंभे में है, बोले कि एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, जरूर है। जैसे खंभा को तोड़ा, नृसिंहदेव प्रकट हुआ, तो भगवान कहाँ है, कहाँ नहीं है? भगवान शुद्ध भक्त के हृदय में, नॉट मी। मतलब भगवान जो शुद्ध भक्त होता है, जो उनका सच्चा सेवक होता है, उनके हृदय में भगवान वास करते हैं। तुम्हार हृदय सदा गोविंद विश्राम। तो इसीलिए हम लोग को भगवान के शुद्ध भक्तों द्वारा प्रवचन, वैदिक शास्त्रों का लीला कथा, भगवान की लीला कथा श्रवण करेंगे तो भगवान हमारा किसी भी जगह प्रकट हो सकता है। भगवत दर्शन के लिए जैसे प्रहलाद महाराज मंदिर नहीं गए भगवान को दर्शन करने के लिए, प्रहलाद जहाँ पर था
भगवान वहाँ पर आए, है ना। प्रहलाद का घर भगवान का मंदिर बन गया। ऐसा नहीं कि भगवान के मंदिर में प्रहलाद जाके जप करने लगा, बल्कि प्रहलाद जहाँ पे जप करते थे भगवान वहाँ पर प्रकट हुआ। तो यह होता है शुद्ध भक्त की महिमा। तो इसीलिए भगवत दर्शन करने आँखों से नहीं कानों से होता। तो इसलिए जितना हो सके भगवान की लीला कथा को सुनिए, भगवान के नाम का कीर्तन कीजिए, तभी हमारा कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम होगा। जितना हम लोग सुनेंगे प्रेम हमारा तभी होता है किसी से, जब किसी के बारे में सुनते कि वो कितना महान है, तब तो उनके प्रति आकर्षण होगा। जब आप कृष्ण के बारे में सुनेंगे ये सब, तब ऑटोमेटिक उनके प्रति आपका प्रेम, हमारा प्रेम कृष्ण के प्रति होगा। इसीलिए इस चीज़ को फॉलो करना है। हरे कृष्ण।